तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज एक मेजर वीडियो आने वाला था पर मैं बीमार हूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में फ्लड्स आए हैं, काफ़ी लोग मिसिंग है, कुछ लोग चले गए हमें छोड़ के। अगर आप उत्तराखंड से हो तो सेफ रहो प्लीज़, और बेस्ट विशेज मेरे तरफ से। मेरे को विजुलाइज़ करना था ये, मुझे समझ नहीं रहा था कि कहाँ से क्या हो रहा है करके, तो आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा विजुअलाइजेशन। ये स्टोरी अगर आप मीडिया को फॉलो करो तो सबसे पहले फ्लैश फ्लड नोटिस किया गया रेनी विलेज में। अगर आपको रेनी विलेज दिखाऊँ तो ये जो इस बेस पे है इस माउंटेन के, वो है रेनी विलेज। देखोगे अगर मैं टेरेन दिखाऊँ आपको तो एकदम नीचे है वो। आपको बेटर पिक्चर्स दिखाता हूँ रेनी विलेज के, भुवन के ऊपर, गूगल के ऊपर शार्प नहीं है वो। तो ये स्टार्ट ऑफ हुआ एक ग्लेशियर ब्रेक ऑफ से। तो ग्लेशियर का एक पार्ट टूट जाता है और सिंस वो पानी है तो वो पानी को फ्लो करना है कहाँ, तो और वो फ्लो करते जाएगा जब तक उसका पोटेंशियल ख़त्म नहीं होता। किसका पोटेंशियल? एलिवेशन का पोटेंशियल। जब तक आपका एलिवेशन डिक्रीज होते जा रहा है तब तक फ्लो होते जाएगा, राइट। इस केस में नंदा देवी ग्लेशियर से क्लेम किया जा रहा है ब्रेक ऑफ हुआ, तो वो ये एरिया अप्रॉक्सीमेटली और ये अपना चमोली डिस्ट्रिक्ट फुल, यहाँ से स्टार्ट हुआ वो आया रेनी विलेज में। तो ये जो ब्रिज दिख रहा है, मैं भुवन पे चले जाता हूँ, ये भुवन पे आपको बेटर इमेजेस है इस केस में। भुवन का वीडियो है, आई बटन में आ जाएगा, देख सकते हो काफ़ी सारे लो लाइंग घर है, तो काफ़ी सारे घर वगैरह डिस्टर्ब है। भुवन पे ज़रा एलिवेशन की गलती है, ऊपर नीचे से नहीं है वो, तो काफ़ी सारे घर डिस्ट्रॉय हुए यहाँ पे इस एरिया में। और मुझे लग रहा है जो हम ब्रिज देख रहे हैं डिस्ट्रॉय होते वक्त, वो ये वाला है। अगेन मैं श्योर नहीं उस चीज़ के बारे में, स्पेकुलेट कर रहा हूँ। तो ये ब्रिज शायद ऐसे लग रहा है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो अभी ये आया यहाँ पे, अब इतना सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है तो अपने साथ वो काफ़ी सारे, मतलब जो भी उसको सिल्ट रॉक्स वगैरह मिलेंगे अपने साथ लेके जाएगा और बहुत क्विकली फ्लो करेगा क्योंकि मास ज़्यादा है। अभी यहाँ से नीचे फ्लो हुआ वो, ये ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ पे एक मेजर डैम बन रहा है जो है वो टपुवन में। एक मिनट, तो टपुवन में मेजर डैम बन रहा था आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है काफ़ी सारे पार्ट्स उसके। अब डैम्स पे काफ़ी कन्वर्जेशन हो रहा है, आगे आता हूँ उसके बारे में, डैम्स की बात आगे करेंगे लास्ट में। डैम्स को ब्लेम किया जा रहा है, तो ये डैम ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हुआ आई गेस। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ वो पानी आने से पहले डैम का, तो ये, और अगर काफ़ी जगह से वर्कर्स भी मिसिंग है डैम के, तो मोर देन 150 लोग मिसिंग है, आई होप वो जल्दी मिले और उनकी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो। ये हुआ, यहाँ से फ्लो होते गया वो, यहाँ से फ्लो होते गया। जोशीमा तेरा में भी कुछ पार्ट्स डिस्ट्रॉय हुए या डैमेज हुए। अभी यहाँ आएगा तो आप देखोगे ये पूरा रिवर फ्लो है, मतलब ये जोशीमात, फिर यहाँ से टपोवन, और फिर यहाँ से रेनी विलेज, और यहाँ से ऊपर या जहाँ से भी ग्लेशियर आया। अगर मैं इसे ऊपर करूँ, इस पूरे रिवर का नाम है धौली गंगा रिवर, तो ये फाइनली मीट होता है अपने अलकनंदा रिवर को। तो ये रहा अलकनंदा रिवर, अभी आप देखोगे जहाँ से आ रहा है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट फुल, ये जो भी है, तो यहाँ से ऐसे आएगा। काफ़ी सारे अगेन घर हैं ऑन द वे, काफ़ी सारे घर उत्तराखंड में रिवर्स के अराउंड बेस्ड है, तो वो ऊपर से आएगा, यहाँ से, सॉरी, जोशीमठ से यहाँ से आएगा। तो अलकनंदा रिवर में भी एंड नहीं होगा ये फ्लड, क्योंकि फ्लो होना है, जैसे मैंने बोला लोकल मिनिमम तक चलते जाएगा या ग्लोबल मिनिमम इस केस में। ये फिर जाएगा श्रीनगर साइड में जहाँ भी डैम्स वगैरह है, और फिर फाइनली ये उत्तराखंड में चले जाएगा। ये श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर बाय द वे, ये उत्तर प्रदेश में भी चला जाएगा। तो ये जो भी एरिया है यहाँ पे पूरा हाई अलर्ट पे है सब लोग। आप अगर इस एरियाज में रहते हो तो थोड़ा संभल के रहो और अपडेट्स फॉलो करो, हेल्प करो ओल्ड लोगों को भी, प्रेइंग फॉर यू। तो ये सब एरियाज हाई अलर्ट में, तो ऐसे है उस पूरे चीज़ का फ्लो। तो अभी काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं डैम्स को, अब एज ऑफ नाउ हमें ये बताया कि प्राइमरी रीज़न ये एक नेचुरल रीज़न है,
जो ग्लेशियर ब्रेक ऑफ के वजह से हुआ। अब ग्लेशियर ब्रेक ऑफ हम ग्लोबल वार्मिंग को मे भी ब्लेम कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसको ज़्यादा डेटा लगेगा, बट ग्लेशियर ब्रेक ऑफ इस चीज़ को हम एक एक वन ऑफ द फैक्टर्स हम ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेटली समझ सकते हैं। तो ये जो फ्लैश फ्लड है, ये हम नेचुरल फ्लैश फ्लड है, पर काफ़ी हेड देख रहा हूँ मैं डैम्स की तरफ। देखो, डैम्स जो है वो बेस्ट मैकेनिज्म है फ्लड्स कंट्रोल करने के, क्योंकि आप रेगुलेट कर सकते हो पानी का फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हर डैम का लिमिट है कितना रेगुलेट कर सकता है वो, और एक पॉइंट के ऊपर अगर हम मतलब रेटेड रेगुलेशन के ऊपर जाएंगे तो वो डैम ब्रेक हो जाएगा, नो डाउट। ऑब्वियसली फिजिकल लिमिट्स होने चाहिए, बट डैम्स अच्छी चीज़ है। और अगर आप ये उत्तराखंड का पूरा ज्योग्राफी देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसे लोकल लेवल पे छोटे छोटे डैम ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है ना, कुछ भी हो, लोग फैमिली की डेथ हो या जो भी हो, लोग ब्लेम करने को किसी को ढूंढने लगते हैं, और इस केस में ब्लेम डैम्स हो रहा है। डेफिनेटली डैम बिल्ड करने को आप यहाँ देख ही सकते हो टपोवन में, थोड़ा डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है पर बाद में रिक्लेम हो जाते हैं और डैम रह जाता है। तो बस यही था, डेफिनेटली बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उत्तराखंड को, नो डाउट, और बेटर प्लानिंग लगेगी इसके लिए, क्योंकि फ्लैश फ्लड एक ऐसा फ्लड है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो जस्ट आ जाता है। और बेटर मेजर्स चाहिए ऑन ग्राउंड कि अगर फ्लैश फ्लड डिटेक्ट होता है तो तुरंत क्या किया जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है आपके पास, स्पेशली अगर आप ऐसे रेनी जैसे विलेज में रहते हो जो एकदम क्लोज था फ्लड के ट्रिगरिंग पॉइंट से, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है इस केस में। आई जस्ट होप कि सब सेफ हो यार, और कुछ नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार खराब हो तो चलता है, पर लाइफ नहीं जानी चाहिए किसी इंसान की। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकेय देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रंडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, मार्क सेवन राव, संदीप रामकृष्ण, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पटेल, विक्रम वर्मा, तन्मय देश पांडे, सिद्धार्थ कृष्णन, अभिषेक श्रीवास्तव, देसी गॉडजिला, सत्यम और विघ्नेश। थैंक यू।